आज है संडे और आज विश्वकर्मा पूजा भी है और हम लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तीज का नहा खा का व्रत है। कल है तीज, तो आज नहा खा का विधि करना होगा। आज कोई मेड वगैरह भी नहीं आएगी, तो सब काम अपने करना है, जिस कारण मैं आज बहुत ही जल्दी जग करके सबसे पहले काम पे लग गई हूँ। आज वॉक वगैरह पे कहीं नहीं गई हूँ, मुक्कू को वॉक पे जाने की जिद है, तो खैर आज वो नहीं जाएगा वॉक पे, मैं उसे बाहर बांध दूँगी। अभी देख सकते हैं आप, बिल्कुल अंधकार है बाहर, चूँकि अभी 4:30 ही बजा है और मुक्कू बाहर बार बार भाग जा रहा है, तो मैंने उसे बांध दिया है। और मैं सबसे पहले बाहर की साफ़ सफाई कर लूँगी, दिन हो जाने के बाद से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तब मैं घर का बाद में करूँगी। और आज नहा खा है तो सब साफ सफाई करने के बाद, स्नान पूजा करने के बाद ही चाय पानी लूँगी। फ्रेंड्स, 4:30 बजे से लगी हुई हूँ और घर का झाड़ू पोछा, पौधों में पानी देना, डस्टिंग, ये सब काम कर लिया मैंने। अब मैं नहाने जाऊँगी, 6 बज गए हैं, नहाने जाऊँगी, नहाने के बाद पूजा, उसके बाद से मैं चाय वगैरह पीऊँगी। कल है तीज, तो तीज के एक दिन पहले नहा खा का नियम होता है। हालांकि इंसान हर दिन नहा के ही खाता है, लेकिन आज के दिन चाय भी हमने नहीं पिया है अभी तक, तो चाय पानी सब नहाने के बाद ही करूँगी, पूजा के बाद करूँगी। और मुझे आज मेरी तैयारी कुछ भी नहीं हो पाई है, मैंने कुछ भी ख़रीदारी वगैरह तीज का नहीं किया है, तो आज मैं 10 बजे तक मुझे खाना वगैरह सब बना लूँगी, ताकि मैं 10 से 11 के बीच में निकल जाऊँ। आज भीड़ भी होगा मार्केट में, तो मैं सामान वगैरह आज खरीद के लाऊंगी, प्रसाद वगैरह भी हम लोग को बनाना होता है, इसीलिए मैं आज जल्दी ही जग करके सब काम की हूँ, ताकि मैं समय से सारा काम फिनिश कर सकूँ। तो मैं अभी लगाऊंगी अपने बालों में डाई, तो 15 मिनट रखना होता है, तो 15 मिनट के बीच में मैं तब तक कपड़ा वगैरह साफ कर लूँगी, तब हो जाएगा समय। कपड़ा की साफ़ सफाई करने के बाद से मैंने बाल भी धुल लिया है और अब मैं पूजा करने आई हूँ। सबसे पहले सूर्य को अर्घ देती हूँ, फिर तुलसी की पूजा, उसके बाद मैं घर का पूजा करूँगी।
की साफ सफाई, पूजा पाठ सब समाप्त हो चुका है। लगभग 8 बजने वाला है, 7:50 हो रहा है। अब यहाँ लूँगी नींबू पानी और तब बनाऊंगी चाय। आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ कढ़ी बड़ी। हालांकि तीज में नहा खा का कोई वैसा कुछ सिस्टम नहीं है कि क्या बनाना है क्या खाना है, जितना जैसे छठ और जीतिया में होता है कि नहा खा का बहुत महत्व होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बनाइए खाइए। तो क्योंकि मैं अकेली हूँ, कुछ ज़्यादा बनाना का मतलब नहीं बनता है, और बहुत लोग इसमें पकौड़ी वगैरह सब भी बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। मैं सिर्फ कढ़ी बड़ी बनाऊंगी, चावल दाल रोटी, सॉरी दाल नहीं, चावल और सतपुत कुदरुन का भुजिया बनाऊंगी। क्योंकि मैं फटाफट आज खाना ही डायरेक्ट बना रही हूँ, मुझे बाजार भी जाना है, मैंने सामग्री कुछ अभी नहीं खरीदा है। मैं यहाँ अभी बड़ी कढ़ी के लिए बड़ी तल रही हूँ, और एक सिस्टम चल गया है कि नहा के खाना है। तो जबकि कौन ऐसा दिन है कि कोई नहीं नहा के खाता है, हर दिन नहा के खाता है, लेकिन पता नहीं ये क्यों। शुरू में लोग पापा पहले हंसते थे कि औरतें नहा के नहीं खाती होंगी पहले, इसलिए पर्व त्यौहार के दिन नहा खा के सिस्टम बनाई है कि नहा के ही खाना है। लेकिन हालांकि आज तो आज के ज़माने में कोई ऐसा दिखता नहीं है कि जो ऐसे ही बिना नहाए खाना खा ले। खाना बना लिया है, अब मैं थोड़ा सा मुक्कू को भी स्नान वगैरह करवाऊंगी, क्योंकि अब पर्व त्योहार का दिन है, संडे है, तो वो भी थोड़ा स्नान वगैरह कर लेगा। मुक्कू को स्नान वगैरह करा के खाना खिला के अब मैं अपना भोजन लेके आ गई हूँ, क्योंकि आज ब्रेकफास्ट तो हमने बनाया नहीं है, तो सीधे खाना खा रही हूँ। ये है आज का हमारा ब्रंच, चावल, कुदरुन का भुजिया, कढ़ी और रायता, और साथ में ये हरी मिर्च फ्राई करके नींबू डला हुआ। खाना खाने के तुरंत बाद मैं बाज़ार जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। आलस तो लग रही है, लेकिन अगर मैं अभी आलस कर दूँ ना तो फिर जा नहीं पाऊँगी, और अगर नहीं गई तो सारी ख़रीदारी बाकी रह जाएगी, क्योंकि ये है नहीं और मुझे ही लाना है। आप देख सकते हैं 11:30 बज गया है और बाज़ार में भी भीड़ होगी, आज विश्वकर्मा पूजा है, साथ ही तीज की ख़रीदारी हो रही होगी। तो मैं आने के बाद भले थोड़ी देर आराम कर लूँगी। हो चुके हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया, अब मैं तैयार हूँ, मैं थोड़ा बाज़ार जाऊँगी। और ये लिस्ट है, लिस्ट भी तैयार कर लिए हैं, और पूजा का कुछ सामग्री तो हम कल मंगवा लिए, वो डिलीवरी कर देता है, वो कर दिया। कुछ सामग्री जैसे पार्वती जी के छूने का सामान वगैरह मुझे अभी लाना है, तो मैं अभी ही ला के रख दूँगी, ताकि जब आऊँगी तो थोड़ा रेस्ट करूँगी, उसके बाद से कुछ काम प्रसाद वगैरह बनाऊँगी। शाम का टाइम मैं प्रसाद में ही ये करूँगी। सभी पूजा सामग्री खरीद के ले आई हूँ, निकाल के रख दूँ। काफी गर्मी थी बाजार में, ये साड़ी मैं कल तीज में पहनने वाली हूँ, इसका ब्लाउज मैं आज सिलवा के लाई हूँ, तो दे दिया था पहले ही, आज वो दिया है सिल करके, तो यही साड़ी मैं पहनूंगी। काफी गर्मी लग गई है, थोड़ा सा
लूंगी जूस वगैरह, उसके बाद से मैं प्रसाद बनाने जाऊंगी, थोड़ा फ्रेश हो लूंगी, उसके बाद से प्रसाद बनाने जाऊंगी। 2 बजने वाले हैं। किचन की साफ सफाई मैं बाजार जाने से पहले ही कर दी थी ताकि सीधे आकर के मैं प्रसाद वगैरह बनाने में लग जाऊँ। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी खजूर, और जिसमें मतलब मैं मैदा में बनाऊँगी, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत शॉर्टकट में बनाती हूँ मैं। इसमें मैदा, नारियल बुरादा, इलायची और चीनी और ड्राई फ्रूट्स जो आपको मन करे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ सिर्फ किशमिश डाल रही हूँ और उसे मिला करके, और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रिफाइंड या घी डाल करके इसमें मिक्स कर लूँगी। और इसे मिक्स करने का पहचान है कि अगर ये मिक्स करते समय मुट्ठी बना रहे हैं और वो बन जा रहा है मुट्ठी टाइप का इस कुछ इस प्रकार से, तो इसका मतलब है कि इसमें मतलब मोयन वगैरह सही मात्रा में पड़ा हुआ है। और हल्का पानी डाल करके, मम्मी जब करती थी तो वो छींटा मार मार के करती थी, थोड़ा सा बना लेती थी फिर पानी का छींटा डालती थी, लेकिन मैंने डायरेक्ट उसे गूँ लिया है। और मैं यहाँ पे इसका बना लड्डू बना के और शेप दे दे रही हूँ। यहाँ मैंने फ्रेम जो साँचा होता है ना खजूर बनाने का, वो मैं निकाली नहीं हूँ, वो छत में ही निकालती हूँ। मैं हाथ पे ही इसे हल्का सा टर्न कर दे रही हूँ और उसे अब मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद से मैं इस बनने के बाद से मैं गुजिया की तैयारी करूँगी। गुजिया तो मैं बनाती नहीं हूँ, और चूँकि तीज में बिहार में चलता है, चढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसके पहले मैं खजूर ही बना दिया करती थी। मुझे बनाना झमेले का काम लगता था और मुझसे बनता भी नहीं था, लेकिन एक दो बार देखी बाबू का पसंद है, उसे अच्छा लगता है, इस बार मैं सोची बनाती हूँ गुजिया। हालाँकि मैं खोआ तो ज़्यादा लाई थी, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए आधे खोए में ही बना रही हूँ, और उसमें मैंने सूजी और नारियल बुरादा और ड्राई फ्रूट्स अच्छी मात्रा में डाल दिया है। थोड़ा खोआ मैं रख ली हूँ, अगर अच्छा बना तो मैं बाबू जब आएगा 28 तारीख को तो मैं 27 या 26 को बना के उसके लिए रखूँगी। इसमें कोकोनट वगैरह जो डाल दिए ना पाउडर, इसलिए और बढ़ गया। की वो डाली डाली कि अच्छा लगेगा खाने में। ये प्लेट आज हमने खरीदा है, चमक रहा है। मैं इसी में शंकर पार्वती को बनाऊंगी और पूजा करूंगी। दौजा के लिए सही है तो आज, क्योंकि कल सोमवार है, हम लोग का मान का दिन है, तो आज ही मैं इसमें विश्वकर्मा पूजा कर दूंगी। इसी थाल में मैं विश्वकर्मा पूजा करूंगी और वो मैं शाम को करूंगी। सब लोग अपनी गाड़ी की साफ सफाई दिन के टाइम में किए, और उस वक्त में मैं नहीं की, चूँकि मैं तो दिन भर बाज़ार और प्रसाद बनाने में रह गई, और उसके बाद से मैं थोड़ी देर सो गई जानबूझ के, थोड़ी आराम कर ली। मीना आई थी तो मैंने थोड़ा सा मसाज वगैरह भी करवाया, तो अब लगभग 6:30 में मैं आई हूँ नीचे। अब गाड़ी की साफ सफाई कर रही हूँ और अच्छा भी है, कोई है नहीं। मुक्कू को लेके मैं नीचे चली आई हूँ, और मैं यहाँ भी पहले स्कूटी की सफाई कर रही हूँ, उसके बाद से मैं कार को भी धुल दूँगी। कार की भी सफाई हमने अच्छे तरीके से कर दिया है, जितना मैं कर सकती थी। अब मैं इसके बाद नहाऊंगी, नहाने के बाद करूंगी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की पूजा। हमारी पूजा की थाल तैयार है, अब मैं सबसे पहले कार की, फिर स्कूटी की, उसके बाद सारे घर के जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसकी पूजा करूंगी। तो मैं चली पूजा करने। बच्चे होते तो बच्चे पूजा करते, चूँकि बच्चे नहीं हैं तो
अभी गाड़ी धो के आई, फिर स्नान किया, अब मैं जा रही हूँ गाड़ी का पूजा कर दूंगी। विश्वकर्मा पूजा है तो सभी चीज़ का पूजा होना जरूरी है, तो मैं जा रही हूँ गाड़ी का पूजा करने। इसके बाद मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, अलमीरा, कुकिंग स्टोव, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब का पूजा करूंगी। उसके बाद से खाना वगैरह बनाऊंगी, खाऊंगी, सोऊंगी। और इसी के साथ मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।